बिल्कुल, बड़ा बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया आपने। कहाँ से बोल रहे आप? महाराष्ट्र अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। नहीं, कहाँ से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जगह से बोल? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट लोनी प्रवरा नगर। अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है। तिलक जी ने इस गणेश उत्सव के साथ ही महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की भी यात्रा, शोभा यात्रा और बड़ी उत्सव जयंती बनाने का कार्यक्रम शुरू किया था। बड़ी दुर्भाग्य की बात जो हमारे कॉलर ने बताया, मैं आपके दर्शकों के ध्यान में ला के देता हूँ कि वहाँ पर सरकार द्वारा एक तारीख बताई गई है और उस तारीख के अनुसार होता है, और बाकी जो शिवाजी महाराज के समर्थक संगठन है, हिंदू आदि संगठन है, वो तिथि के अनुसार करते हैं। मतलब दो दो बार वहाँ पर शिव जयंती मनाई जाती है। एक राय इस विषय पर भी नहीं है, सब जगह भटक गए हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गणेश उत्सव की, और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हम नजर डालते हैं कारणों पर, देखते हैं कारण क्या है। आधुनिक जीवन शैली को प्रमुखता। आज हमारा समाज आधुनिकता के नाम पर जिस ओर जा रहा है, वहाँ लोगों के पास ना तो अपनी संस्कृति के बारे में सोचने का वक्त है और ना ही गणेश उत्सव जैसे त्योहारों की असलियत के बारे में जानने का। अब हर त्योहार धार्मिकता और फूहड़ता के अलावा मौज मस्ती का त्योहार बनता जा रहा है। लोगों के पास समय का अभाव। आज लोग त्योहारों के महत्व को जानना तो दूर, उनके पास त्योहार मनाने का समय तक नहीं है। ऐसे में आप खुद ही उम्मीद लगा सकते हैं कि लोगों के पास देश की एकता और अखंडता के बारे में सोचने का समय कहां से होगा। देश प्रेम की भावना की कमी। कभी देश में देश के महान महापुरुषों और वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वही भावना अंग्रेजों में एक डर पैदा कर गई थी, मगर आज देश में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। काले अंग्रेज देश को लूट रहे हैं, लेकिन आज देशवासियों को जगाने वाला कोई नहीं है। बाल गंगाधर तिलक और सावरकर जैसे महापुरुषों की कमी। आज ये हकीकत है, हमारे समाज में कोई बाल गंगाधर तिलक और सावरकर जैसा महान पुरुष नहीं दिखता। इसी वजह से आज हमारा समाज गणेश उत्सव जैसे त्योहारों की उपयोगिता खोता जा रहा है। नई पीढ़ी में जानकारी का अभाव। आज हमारी नई पीढ़ी हर चीज को आधुनिकता के साथ साथ जीने की कोशिश कर रही है। आज युवा पीढ़ी गणेश उत्सव जैसे त्योहारों के महत्व को भूलती जा रही है। ऐसे में इस युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए समाज में वाकई जागरूकता की जरूरत है। गणेश उत्सव के महत्व को नहीं समझ पाना। हमारा समाज आज आधुनिकता के नाम पर इतना आगे निकल चुका है कि उसके पास त्योहारों के महत्व तो दूर की बात, खुद तक के लिए समय नहीं है। ऐसे समाज का ऐसा हाल होना लाजमी ही है। तो ये कारण है, और इन कारणों के साथ ही आप भी और कारणों पे अपनी बात को रख सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं। मैं हमारे तीनों अतिथियों के पास जाके उनका भी एक एक प्रमुखता से कारण क्या वो मानते हैं। दिलीप जी, आप क्या प्रमुख कारण मानते हैं? जी, प्रमुख कारण तो ये है, कारणों का तो बखान बहुत हो गया, लेकिन आज के तारीख में हम स्वयं उस राह पे बढ़े हैं, ये आज की जरूरत है। नहीं, हम उपयोग में बाद में जाएंगे, हम कारणों पे चर्चा कर रहे हैं। तो कारण तो ये है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हमारी जो अगली पीढ़ी है, हम स्वयं ये किस लिए मना रहे हैं। सही बोले थे, बिल्कुल। दादा, आप क्या कहेंगे कारण? कारण तो ये है कि अर्थ का प्रमुखता इतना बढ़ गया हमारा समाज में, हम भटक गए। हमारी जीवन की जरूरत क्या है वो हम समझना भूल गए। हम एक दूसरे का रैट रेस में पड़े हुए हैं, और उसके कारण से, आर्थिक कारणों से हम समय का कमी सोचते हैं, और हमारे जो संस्कार संस्कृति वो विषय हम अपने बच्चों के सामने नहीं रख रहे हैं। उसके लिए जिम्मेदार वर्तमान जो पीढ़ी है वो जिम्मेदार है, और उसके लिए हमें अपने सुधारने पड़ेंगे। बिल्कुल संतोष जी, देखिए, हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समाप्त करते जा रहे हैं कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है। अगर हम अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करते तो गणेश महोत्सव का जो उद्देश्य था वो सफल होता और आज भी होता। बिल्कुल, हम यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी।
क्या आप जानते हैं जहां पर ज्यादा संख्या में गाय होती है वह